नमस्ते सभी को। आज बहुत दुख का विषय है, मुझे सुबह सुबह आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। आज राजीव भाई की जो विचारों की जो है, राजीव भाई की हत्या तो हुई, लेकिन आज राजीव भाई के विचारों की दोबारा से हत्या का जो है वो प्रयास उनके भाई ने किया है, उनके विचारों की हत्या का। और मुझे लगता है कि बहुत ये बहुत गंभीर विषय है कि 2016 से इन्होंने ये कृत्य चालू किया हुआ है, एप्लीकेशन जो इन्होंने डाली थी ट्रेडमार्क लेने की। तो राजीव भाई जिस ट्रेडमार्क को, ट्रेड को हमेशा, शब्द को हमेशा लूट से जोड़ के रहे कि ये विदेशी जो है वो ट्रेड करने के लिए हमारे यहाँ पे आए, तो ट्रेड का वास्तविक अर्थ यदि उन्होंने बताया था कि लूट होता है, तो आज उस उन्हीं राजीव भाई के फोटो पे और नाम पर जो है उनके भाई ने ट्रेड लिया है। तो मैं राजीव में होने की जो मेरी यात्रा की कुछ दो वीडियोज़ थी, मैं उसमें उसमें 3-4 साल जो प्रदीप दीक्षित के साथ मैंने सेवाग्राम में बिताए, मैं उनको बहुत सारे चीज़ों का मैं उजागर करने वाला था कि जिसमें उन्होंने बहुत सारे राजीव भाई के विचारों की हत्या के प्रयास किए, और हमने उसको सुधारने का प्रयास करने की वजह से उनके साथ लगे रहे कि शायद हम सुधार देंगे, लेकिन नहीं सुधर पाए। लेकिन आज रात में जब मुझे 12 बजे के लगभग एक मित्र का संदेश आया और उन्होंने बताया कि राजीव भाई के नाम पर ट्रेडमार्क ऐसे ले लिया गया है, तो मुझे लगा शायद ऐसे मजाक कर रहा है। और तब मैंने, लेकिन जब वेबसाइट खोल कर देखी मैंने, तो वेबसाइट में वास्तव में जो है उस एप्लीकेशन नंबर के में ये सारा विवरण मिला कि उनके नाम पर, उनके फोटोग्राफ पर ये कॉपीराइट लिया जा रहा है। तो ये वास्तविकता में इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं जब सेवाग्राम छोड़ा मैंने उनके संस्था को, तो उसके बाद बहुत सारे पुराने लोगों ने, जिसमें राम धीरज जी भी हैं, जिसमें अब आरएन वर्मा जी ने भी वहाँ से छोड़ दिया है इस कारण से ही, और ये व्यक्ति जो है इसके बारे में बताया कि राजीव भाई पे बहुत सारे लगे हुए जो आरोप थे आज़ादी बचाओ आंदोलन के समय के, वो ही व्यक्ति के कारण थे। तो हमें धीरे धीरे लगने लगा कि ये ऐसा नहीं है कि अभी ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति आया हुआ है, ये है ही ऐसा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 2012 में जब मेरे साथ, मैं बहुत निकटता से काम करता था, तो इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि सारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल वीरेंद्र भाई बंद करवाओ, ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं और हमारी संस्था को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भैया, आपको तो आज 2013 में ये होश आया है कि राजीव भाई के प्रचार जो है वो आप यहाँ करोगे, आप आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ वो इन्हीं फेसबुक और यूट्यूब के चैनलों के प्रचार की वजह से बैठा हूँ है, और आप इनको ही बंद कराना चाहते हो। कहते नहीं, ये कुछ भी डाल देते थे। भाई डालने दीजिए ना, कल को किसी ने अगर राजीव भाई का पूरा प्रचार बंद करना होगा, तो आप तो इतने कान के कच्चे और जेब के कच्चे हो कि आपको तो कोई भी मिनट में या तो खरीद लेगा या तो कुछ भी कर लेगा, और आप तो मिनट में सारा प्रचार बंद कर दोगे, क्योंकि आप तो पैसे के साथी हो, ये तो हमने देख लिया है साफ साफ। क्योंकि जब 2012 में सोयाबीन की खेती कर दी आपने समाधि के ऊपर, और विरोध करने पे आपने ये तक कह दिया कि भाई ऐसा करो, ये लिख दो कि हमने शोध कार्य के लिए उगाई थी, तो इतना झूठ यदि आपने हमारे सामने, हम किसी और की विश्वास करें, आपने हमारे सामने बोला, तो आज आपने सारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल की कमाई आपको नहीं मिल रही, इस वजह से आप राजीव भाई का प्रचार रोकना चाहते हो। तो ये जो दुष्टता आप कर रहे हो, इसका बहिष्कार होगा, इसका बहिष्कार होगा। मुझे पता है आप एक दो लोगों को इस पर फंसाओगे और आपका, मैं आपके उस लिस्ट पर रहूंगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना, यदि आपने इस विषय पर किसी भी राजीव दीक्षित कार्यकर्ता को ठेस पहुंचाई किसी को भी, तो मैं कहता पूरा देश आपकी पूरी संस्था का बहिष्कार करेगा। ये पूरा देश जो आपको दान देता है, आप यहाँ फैक्ट्री खड़ी करने के बाद आप लोगों से दान मांगते हो हर महीने है? यदि आपको उत्पाद बेचने, सब कुछ करने, तो फिर दान क्यों मांगते हो आप? दान मांगते हो, उसको फिर फैक्ट्री में लगाते हो, उससे जहर बेच रहे हो आप, जो ये जूस वगैरह सब बेच रहे हो, तो ये सारा जो आपने धंधा खोल लिया है, इसका पूरे का बहिष्कार होगा। बागबट आयुर्वेद के नाम के जितने स्टोर हैं, उन पर एक भी सामान नहीं बिकेगा। आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कोई नहीं आएगा, और आपके यहाँ का धरना भी दिया जाएगा, आपके यहाँ का घेराव भी किया जाएगा, और जहाँ आप जाओगे वहाँ आपको काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है वो दिन, क्योंकि आपका दिमाग एक एक राजनीतिज्ञ का दिमाग है, राजनेता जो आज के नेता जिन्होंने देश को बर्बाद किया हुआ है, आप उस तरह से क्यों? मुझे आज भी याद है 2013 की वो बात, जब आप मेरे साथ गाड़ी में जा रहे थे दिल्ली के जो लुटियंस का जो जोन है, जहाँ पे सारे सांसदों के जो बंगले होते हैं, आप गाड़ी में मेरे साथ थे, मैं आपको लेके जा रहा था, और मैंने आपको ये कहा कि भैया ये सारे जो ये एरिया है, क्षेत्र, ये सब सांसदों के यहाँ बंगले हैं। तो आपके मुँह से अनायास ही निकल गया कि कोई बात नहीं, 15-20 साल हमारा भी यहाँ एक होगा। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं जिस व्यक्ति के साथ इस विचार से जुड़ा हुआ हूँ कि ये व्यक्ति जो है ये कुछ राजीव भाई के कार्यों के लिए करेगा, ये व्यक्ति की तो मनशा कुछ और है। और आपकी मनशा नेता बनने की है, इसमें दुख नहीं है, लेकिन आप दिखाते नहीं हो, कहते कुछ और हो, आवरण कुछ और ओढ़ा हुआ है आपने, और आपका मन कुछ और है करने का। तो जब इतने भी प्रचारक है ना राजीव दीक्षित जी के,
कि आपके यहाँ से सैलरी नहीं पाते, इनके जीवन में बदलाव आया है, ये अगर कुछ उसे जीविका भी कोई कमा रहा है तो क्या दर्द है आपको, उसको कहीं सीख जगह पे लगाएगा ना, लेकिन ये पैसा आपके पास नहीं पहुंच रहा क्योंकि आपने जिंदगी भर एक ही काम किया है। राजीव भाई आपके साथ, आपको अपने कभी लेकर भी नहीं, व्याख्यान में कहीं आपकी फोटो नहीं देखी हमने, कहीं एक दो को छोड़कर जिक्र नहीं देखा आपका, क्यों? क्योंकि मैंने राजीव भाई की आपकी ईमेल आईडी को देखा है, आपका काम राजीव भाई सिर्फ एक काम के लिए दिया करते थे। सीडी किताब चाहिए, प्रदीप दीक्षित को फोन कर लो, ये नंबर अपना ईमेल पे दे देते थे उनको। आपका केवल डिस्पैचिंग का, एक डाकिये का काम था, बस इतनी आपकी वो थी, दिमाग था, बुद्धि थी आपकी। और अब जब राजीव भाई चले गए इस दुनिया से, आपके तो हाथ पूरा का पूरा वो लग गया, और आप उसको लगे कैश करने। अरे कर रहे थे, तुमने प्रोडक्ट निकाल दिया, हम सह गए, तुमने सब कुछ कर दिया। आज जिंदा होते राजीव भाई तो ये करने देते नहीं? करने देते तुम्हारे ये प्रोडक्ट सब निकालने वाले जो तुमने काम कर रहे हो, लेकिन तुमने किया वो, हम सब सब बर्दाश्त करके चलो ठीक है, करने दो करने दो, लेकिन आज तुमने उनकी फोटो पर ट्रेडमार्क ले लिया। और यदि तुमको ये लगता है कि हम लोग इसलिए ज़्यादा इस वजह से गुस्सा हो रहे हैं कि हमारा कुछ इससे काम का नुकसान हो जाएगा, तो समझ लो इस बात का कि राजीव का विचार तेरे जैसे व्यक्ति, जो प्रदीप दीक्षित, तेरे जैसे व्यक्ति का मोहताज नहीं है। मैं नहीं रहूंगा, तू नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तब भी राजीव भाई का विचार बढ़ेगा, तू होता नहीं कोई रोकने वाला। तो मैं आज ये कहता हूँ कि तुम्हारे किसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार, तुम्हारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, तुम्हारी संस्था का बहिष्कार कोई दान तुम्हें नहीं देगा आज तुम्हारे संस्था से। और मैं बताता हूँ तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी मेरे साथ आखिरी बार बात हुई थी, मैं उसको भी रिलीज करूँगा कि तुम कितने काम के कच्चे इंसान हो। कि तुमने ये साफ साफ कहा था कि जितने भी कार्यकर्ता राजीव भाई को, जब यूट्यूब चैनल जिनको तुम बंद कराना चाहते, सुनकर आते हैं ना तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी भावना पता क्या होती है उनके लिए कि ये सब लोग तो आए हैं किसके लिए, ये सब लोग वीरेंद्र भाई, मुझे आज भी याद है तुमने एक मनविंदर नाम का हमारा साथी था, उसकी मेरे से कहकर तुमने जॉब छुड़वा कर सेवाग्राम बुलाया, और 3 महीने बाद तुमने कहा कि अरे छोड़ो एक अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। वो बेचारा अपने दिल्ली से जॉब छोड़ कर आ गया, उसको दोबारा आज तक जॉब नहीं लगी, कौन दार है इसका, बदनामी मेरी हुई उसके सामने। ऐसे तुमने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होता था ये कहना, अरे वीरेंद्र भाई ये 1 साल के लिए आए हैं, 1 साल के बाद करेंगे, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं, चले जाएंगे। तुम्हारे यहाँ पे संदीप पटेल जैसा साधु आदमी वो छोड़कर चला गया, जिसने ये कहा था कि मेरी लाश सेवाग्राम से जाएगी, माता पिता के ऑपरेशन कराने तक मैं वो बंदा नहीं जाता था, लेकिन तुमने अंत में उसको ऐसा निराश होकर निकाला वहां से कि वो आज व्यक्ति संन्यास लेकर बैठा है। मरा नहीं वो, क्योंकि उसने कहा कि नहीं राजीव भाई का काम कोई बात नहीं, लेकिन उसने प्रण लेके आया था कि मेरी लाश यहाँ से जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को तुम इज्जत नहीं कर पाए, किसी पर पैसों का आरोप लगा देना, किसी पर कुछ करके निकलवा देना। मुझ पर आपने कितने तरह के आरोप लगवाए, आपको कभी भी ये लगा कि अगर देश भर में राजीव भाई के विचारों को फैलाने में मदद कर रहा हूँ तो संस्था के तहत ही कर रहा हूँ? लेकिन आज मुझे दुख ये है, मैं तुम्हारे बारे में सच बताऊँ, तुम्हारा नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि तुम जैसा जेब का कच्चा, कान का कच्चा इंसान कभी इस देश में नहीं काम कर सकता राजीव भाई के विचारों के लिए। तो मैं आज बोलता हूँ सब लोगों को, जितने भी तुम सब लोग सुन रहे हो आज, राजीव दीक्षित संस्था को यदि तुम कोई दान देते हो, उनके कार्यक्रम में जाते हो, तो आज वो सब बंद करो। अगर जाना है तो इसका घेराव करो, काले झंडे दिखाओ इसको, क्योंकि ये इंसान राजीव दीक्षित के फोटो पर ट्रेडमार्क ले रहा है। क्या हम आज यदि अपने घर में राजीव दीक्षित की फोटो प्रेरणा स्रोत के रूप में लगा सकते हैं, तो कल को इसकी मर्जी होगी तो ये कहेगा कि नहीं लगा सकते। ये व्यक्ति ऐसा दोगला है कि ये 2012 में इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने राजीव भाई की फोटो लगा के जो केंद्र खोले हुए थे, सब केंद्रों से फोटो हटवाई कि नहीं आपके यहाँ पे लोग आते हैं, आप इसके वजह से बिजनेस करते हो, लेकिन खुद अपने सेवाग्राम में जो इसका स्वदेशी केंद्र है वहाँ पर ये कार्यक्रम जब आयोजित करता था, कोई भी मीटिंग सभा बुलाता था, वहीं बुलाता था ये हमेशा, जिससे कि इसके केंद्र की जिस पे राजीव भाई की फोटो लगा के राजीव दीक्षित के नाम से ये केंद्र खोला रखता है, उसकी बिक्री बढ़े। इसने अपना केंद्र कभी बंद नहीं किया, लेकिन दूसरे का नहीं चलने दिया। क्यों? क्योंकि इसकी 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 थाली की रोटी कोई और क्यों खा ले। तो ये प्रदीप दीक्षित का आप जितने लोग इस वीडियो को जितने लोगों तक फैला सको फैला दो। इस व्यक्ति ने ट्रेडमार्क ले लिया है, और यदि इसने किसी व्यक्ति पे, किसी का यूट्यूब चैनल या कुछ इस वजह से बंद कराया कि फोटो यूज हो रही है, तो मैं कहता हूँ सब के सब मिलकर एक ऐसा आंदोलन करो कि ये व्यक्ति मजबूर हो जाए कि ना घर से निकल पाए, ना ये व्यक्ति जो है कोई काम कर पाए, ना इसकी संस्था को दान मिले, ना इसका कोई प्रोडक्ट बिके। और ये अगर इसकी राजनीतिक पार्टी बन गई, उस राजनीतिक पार्टी का बेड़ा गर्क करना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के हाथ में यदि सत्ता कल को चली गई कोई गलती से किसी, और ये तो हर लाखों करोड़ रुपए बनाकर तुम लोगों की जिंदगी हराम कर देगा जो राजीव भाई का प्रचार कर रहे हैं।
क्योंकि इसको राजीव भाई के प्रचार से मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलता रहा। जब भी हम इसे पूछते थे राजीव भाई कि प्रदीप भाई आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, अरे वीरेंद्र भाई बस क्या ऐसे समय पर टेक्निकलिटीज ध्यान नहीं रहती, ध्यान नहीं रहा हमें। अरे तुम्हारे बहाव वहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे, प्रदीप दीक्षित पोस्टमार्टम करो, क्यों नहीं कर रहे, कैसे ध्यान नहीं रहा? तो तुम झूठ बोलते हो, तुम तो भाई की मृत्यु के बारे में झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा कर लें? तो मैं तो आज कहता हूँ ये आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आज चुप नहीं रहने वाला। मेरे रात में 12 बजे से मैं जो है बिल्कुल पूरा का पूरा मेरे जो है ना नींद आई है, ना पूरा जो पोस्ट हमने डाली है, इस पोस्ट को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने स्तर पे वीडियो बनाइए देश भर में। ऐसा 4 दिन के, 4 दिन का टाइम है, 4 दिन के टाइम में ये पूरा का एक्सेप्टेंस, अभी इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है 2016 से, डॉक्यूमेंट देते आए हैं। ये जो जो अभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा नीचे, उसमें आप देखना, ये 4 दिन का समय है, इसको इतना मजबूर कर दो या तो एप्लीकेशन वापस ले ले, नहीं तो इसको ऐसी ऐसी इसकी संस्था की घेराबंदी करनी है कि ये ना सामान बेच पाए, ना कहीं जा पाए, ना इसको कोई कार्यक्रम आयोजित हो, और कार्यक्रम आयोजित हो तो वहाँ पर कार्यक्रम सफल ना होने दिया जाए। तो इसी के साथ आप सब लोग जो है अपने स्तर पर इसका इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए, और बड़े दुख हो रहा है आज कि ऐसा ऐसा भाई किसी को ना दे। ये एक भाई के हाथों दोबारा से भाई के विचारों की हत्या जो होने के प्रयास हो रहा है, हमें आशा नहीं थी कि ये इस स्तर तक गिर जाएगा। तो जो भी कानूनी दाव पे जाएगा देखा जाएगा, इनको को लगता है कि अगर ये किसी एक दो को जेल भेज देगा तो भेजो तुम, फिर तुम्हारी तुम्हारी संस्था का क्या हाल होगा देखना है, राजीव जी के समर्थक क्या करेंगे। और मैं कहता हूँ जितने भी राजीव जी के समर्थक हैं, आपस में तुम्हारा कोई भी मनमुटाव हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एकजुट हो जाओ, भूल जाओ आपस के विवाद, बाद में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये राजीव दीक्षित जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारी जिंदगी जिसने बदली है, व्यक्ति के नाम पे इस व्यक्ति को इंडस्ट्री नहीं खड़ी करने देंगे, ये ध्यान रखना इस बात का, और खुद भी नहीं खड़ी करेंगे, इसको भी नहीं खड़ी करने देंगे, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया पे प्रचार यदि हो रहा है, होता रहेगा, और जबरदस्ती सब लोग अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे यही फोटो लगाओ जिसके इसने कॉपीराइट लिया है, लगाओ, देखते किस किस को जेल भिजवाएगा ये। तो आप सब जो है इसको करिए, बहुत भारी मन